आज स्वामी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की 48वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर ग्रामोत्थान विद्यापीठ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत रक्तदान शिविर भी है और ग्रामोत्थान विद्यापीठ से लंबे समय से जुड़े रामेश्वर लाल जी शास्त्री जी हैं और राकेश ढाका जी मेरे साथ हैं और ये अवसर है, हम स्वामी जी को याद करते हैं, उनकी स्मृतियाँ हमारे हृदय में अंकित है और उनको किस तरीके से संदेश के रूप में अपने याद किया जाना चाहिए आज के। सबसे पहले परम श्रद्धेय है स्वामी केशवानंद जी को आज भावभीनी श्रद्धांजलि चरण स्पर्श। 13 सितंबर 1972 को उनका देहांत हुआ था और आज ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्था में उनकी यादगार के अंदर रक्तदान का शिविर लगाया जा रहा है, वृक्षारोपण का कार्य है, एक कंपटीशन करवाया जा रहा है। जो ये पौधा 9 अगस्त 1917 को चौधरी बहादुर सिंह जी बोबिया ने लगाया था, उस पौधे को 1932 में स्वामी केशवानंद जी ने सींचना प्रारंभ किया और उनके लगाए हुए पौधे को आज देखो हजारों हजारों विद्यार्थी लोग पूरा क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर हिसार फाजिलका जो लाभान्वित हो रहा है, शिक्षा की अलख जगाई है, पूरा क्षेत्र उन स्वामी केशवानंद जी का ऋणी है, ऋणी रहेगा। तो आज इस दिन के लिए हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो स्वामी जी ने हमारे लिए ये वटवृक्ष लगा करके दिया है उसकी हम देखभाल करें, उसको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रामोत्थान विद्यापीठ से जुड़ करके आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से इसको जितना आगे ले जाएंगे वो ही स्वामी जी की सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय स्वामी केशवानंद। जिस तरीके से स्वामी जी ने शिक्षा की अलग अलग दिखाई, आज भी उनके संदेश प्रासंगिक है, तो किस नज़रिए से आप आज के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से प्रासंगिक है आप? सबसे पहले मैं स्वामी जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वामी जी के बारे में कितना कहें, हम शब्दों में उनकी महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेक ऐसे उनके द्वारा आयोजित क्रियाकलाप जो वर्तमान समय में अति आवश्यक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान था वो वास्तव में मानव के विकास के लिए था। अनेक ऐसी कुरूतियाँ अशिक्षा की वजह से जो समाज में थी, आज से 50-60 साल पहले ही उन्होंने ऐसी प्रदर्शनी आदि के माध्यम से और लोगों को जागरूक किया कि हमें इन सामाजिक कुरूतियों का परित्याग करना चाहिए। जब तक हम सामाजिक कुरूतियों में बंधे रहेंगे सही मायने में हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से उनका समाज के विकास में कुरूतियों का परित्याग करके शिक्षित होकर के सही मायने में परार्थ के लिए कार्य करके और उनके पदचिन्हों पर हमें चलना चाहिए, उनके उन प्रेरणादायी जो आदर्श हैं उनके, उनका हमें पालन करना चाहिए। एक बार पुनः स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, धन्यवाद। आप उनकी स्मृतियों को किस तरीके से याद करना चाहेंगे? आप लंबे समय से ग्रामोत्थान विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो अलग जगाई गई है उसको कैसे याद करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं स्वामी केशवानंद जी महाराज के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आज अगर हम जिस पद पर हैं या एजुकेटेड हैं तो वो स्वामी जी की दया से ही है। उस समय जब पढ़ने का कोई माहौल नहीं था, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, उस समय अगर हमारा परिवार में हमारे पूर्वज पढ़े तो आज हमें पढ़ने का अवसर मिला। हो सकता है अगर उस समय ये सुविधाएं नहीं होती तो आज जहाँ हम काम कर रहे हैं यहाँ इनके चरणों में, मैंने पढ़ाई यहाँ करी, उसके बाद में यहाँ से नौकरी करी 19 साल तक, उसके बाद अडॉप्ट जब गवर्नमेंट ने हमें किया तो मैं मालारामपुरा चला गया, परंतु इनकी स्मृतियाँ नहीं बल्कि उनका ऋण बार बार हमें याद करवाता है कि इनके बिना हम इस जिस पद पर हैं या समाज में जिस श्रेणी में हैं वो श्रेणी हमें मिलने वाली नहीं थी। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि स्वामी केशवानंद जी का ही आशीर्वाद है कि आज ये क्षेत्र इस तरह फला है, फूला है। और अगर हम बात करें
संगरिया के नहीं बल्कि ये संगरिया राजस्थान का ये क्षेत्र हरियाणा और पंजाब, तो पंजाब में जब मैं मालारामपुरा हूँ तो मालारामपुरा में भी ग्रामीणों के में जो स्वामी जी के प्रति जो आज उनके प्रति मन में जो बात है जो भाव है वो ये है कि सर्वप्रथम स्वामी केशवानंद जी महाराज है, उसके बाद एजुकेशन के जो गवर्नमेंट के साधन है वो है। तो मैं बहुत ही उनका ऋणी हूँ, मेरा पूरा परिवार, मैं तो कहता हूँ पूरा क्षेत्र उनका ऋणी है। धन्यवाद। कृतज्ञ लोग उनको स्मरण कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर, और संगरिया और उसके आसपास के पंजाब और हरियाणा के एरिए के लोग तीन पीढ़ी से, मैं समझता हूँ तीन पीढ़ी से इस बात का लाभ ले रहे हैं। उनके द्वारा जो शिक्षा की अलख जगाई है उसका निरंतर तीन पीढ़ियों को फायदा मिला है, और एक क्षेत्र जो अन्य अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में अग्रणी नज़र आता है शिक्षा के क्षेत्र में, और वो सब इनकी देन है, और कृतज्ञ लोग आज भी उनको याद करते हैं। और आज कई कार्यक्रम जैसे सुबह हवन हुआ और रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण सहित अन्य कार्यक्रम यहाँ संगरिया में आयोजित हो रहे हैं, और एक शिक्षा संत को एक सार्थक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।